70 साल में विकास जो हुआ था वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। विपक्ष यहाँ से धराशाही है, यहाँ विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। तो यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। धारा 370 हटवा कर कश्मीर में दंगे रुकवाया है, इसलिए मोदी को वोट करें। वो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे, उनका जवाब पब्लिक देगी, प्रयागराज की जनता देगी। 80 की 80 सीट हमारे हाथ में आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल इस चुनावी जो महासंग्राम चल रहा है, सब अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम आज प्रयागराज में हैं और ये मुट्ठीगंज का इलाका है। यहाँ हम बात करेंगे जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या दिमाग में है? दिमाग में क्या है, पब्लिक को बताना है क्या? हमको ना बताना है ना दिखाना है। 5 साल मोदी जी योगी जी ने जिस हिसाब से विकास कार्य की योजना और शहर में विकास किया है वो पूरी पब्लिक और जनता जानती है। जिसको ना हमको दिखाना है ना बताना है, उसी के आधार पे हम पब्लिक से वोट मांगने जाएंगे कि अगर 10 साल में मोदी जी और योगी जी ने जो विकास किया है हम उसमें वोट मांगने आए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो प्रयागराज की जो सीट है, उज्ज्वल रमण के आने के बाद से ये सीट फंसी है, और जो विकास का नारा दे रहे हैं बीजेपी के लोग, वो विकास 70 सालों में कांग्रेस और अन्य लोगों ने किया है। 70 साल में विकास जो हुआ था वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी की बात करते हैं तो यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। अन्य पार्टी से पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने आए, मगर अभी तक टिकट घोषित नहीं हुआ है। और जिस आदमी का टिकट घोषित होने वाला है, चिंता का विषय यह है कि इसके पहले उनके पिताजी भी सांसद थे प्रयागराज में, एक बार नहीं कई बार थे। रामबाग के क्रॉसिंग का हर बार पत्थर लगा के उद्घाटन करने का काम वो सांसद ने किया था। आज उसी जगह पे एक बार में पत्थर लगा और एक नहीं दसियों फ्लाईओवर प्रयागराज में बने हैं, वो इसका विकास का प्रमाण है। वो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे, उनका जवाब पब्लिक देगी, प्रयागराज की जनता देगी। 400 पार का नारा कितना कारगर साबित होगा? 101% साबित होगा, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जी जी, क्या नाम है आपका? नीरज केसरवानी, पूर्व पार्षद। नीरज केसरवानी जी, जो भैया बोले अब इसमें आगे बोलने कुछ रह नहीं गया है, जो बोले वो सब के लिए क्या बोलेंगे? इंडिया समाजवादी पार्टी और विपक्ष यहाँ से धराशाही है, यहाँ विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, कमल फूल चल रहा है। प्रत्याशियों की क्या जमानत क्या रहेगी? जमानत जब तक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो पीछे तीसरे नंबर पे रहेंगे। तो टिकट जो इधर इलाहाबाद संसदीय सीट से टिकट नहीं मिला है रीता बगुड़ा जोशी जी को, इसके लिए कितना आप क्या? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, वो जिनको दिया है कमान सब सर्वसम्मति सब लोग मान रहे हैं। यहाँ नीरज त्रिपाठी जी और उज्ज्वल रमण जो उनके जो विपक्ष के हैं, कितना दोनों में लड़ाई मान रहे हैं? नीरज त्रिपाठी नंबर 1 पे रहेंगे और वो तीसरे नंबर पे बता रहे हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। तो क्या 400 पार का नारा रहेगा? 401+ रहेगा। अखिलेश यादव आए थे बीच में, उन्होंने कहा कि इस बार 400 बार हराने का काम करें। वो खुद हरा गए हैं, वो दिखेंगे नहीं, अगले बार जैसे आए तो उससे कम आएंगे। अच्छा अच्छा जी, आप कवि हैं, क्या नाम है आपका? जितेश केसरवानी, और जितेश म्यूजिक धमाल के नाम से भी हमारी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। क्या रचना है आज? आज मोदी जी पे हम पूरे देश को बताना चाहेंगे कि मोदी जी को लोग पूछते हैं कि वोट क्यों करें, तो उस पर मैंने एक शानदार कविता लिखी है कि सब लोग साथ में सुनिए और बोलिए, मोदी को क्यों वोट करें, मोदी को ही क्यों वोट करें, अरे मोदी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, बातें केवल देश की करें, इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें। अरे सनातन धर्म बचाने को कोई योगी आया है, धारा 370 हटवा कर कश्मीर में दंगे रुकवाया है, इसलिए मोदी को वोट करें, इसलिए मोदी को वोट करें। ये बताइए कि कितना कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में भी उद्धार हुआ, मथुरा की बारी है, कितना मान रहे हैं कि मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा भाई साहब, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, यही बात कहेंगे। मंदिर निर्माण हुआ, पूरे देश में मैसेज गया, तो ऐसे में यूपी में जो 80 सीटें हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा? 80 की 80 सीट हमारे हाथ में आ रही है, और माननीय
यशस्वी लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये संतों का और जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है और 400 प्लस जय श्री राम। विपक्ष कह रहा है कि दो बार तो जनता की मांग थी कि मोदी जी आए, अब इस बार मोदी जी मांग कर रहे हैं तो ऐसे में जनता इन्हें नकारेगी। कुछ नहीं नकारेगी, कहीं अन्य पार्टी तो पहली बात कुछ है ही नहीं है, भाजपा के आगे कोई पार्टी नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जय श्री राम। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 400 की 400 सीट पे चुनाव, 430 सीट पे चुनाव लड़ रही है। भाजपा के अलावा कोई पार्टी इतने सीटों पे चुनाव, इवन कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है वो 200 सीट पे चुनाव लड़ रही है। ये कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल है और इसीलिए जीत रहे हैं। ये सब कहने की बात है, अभी तो ईवीएम का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, अभी तो सब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तब वो ईवीएम का नाम लेंगे, अभी तो वो कह रहे हैं हम खुद ही जीत गए हैं। आप इस पे देखिए, अगर ईवीएम का खेल होता तो हाँ, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या कहेंगे किस बारे में? अरे यही कि लोग कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है 400 बार हराने का काम करेंगे। नहीं, विपक्ष जो कह रहा है झूठा कह रहा है, वो जान रहा है विपक्ष एक और 400 बार मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, और इस बार भी तीसरी बार भी जनता और पूरी जनता यहाँ से हर समुदाय लोग जो है हर तरीके से मांग कर रहे हैं, तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे और 400 बार जनता करेगी उनको। मतलब कि जो विपक्ष है वो बिखर जाएगा? विपक्ष पहले ही बिखरा था, आज भी बिखरा, आगे भी बिखरा रहेगा, विपक्ष कहीं टिका नहीं है। मंदिर के नाम पे लोग वोट देंगे अयोध्या में? मंदिर के नाम पर जो मंदिर नाम पर वोट तो पड़ ही रहा है, मंदिर नाम ही नहीं उनके कार शैली पर वोट पड़ रहा है। मंदिर एक कार एक शाली एक कार प्रणाली का एक हिस्सा है, बाकी जितनी भी कार प्रणाली उनकी सर्विस है उसी आधार पर वोट मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के को ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम है वो दंडवत प्रणाम करवाए, तो कह रहे हैं ये राजभर समाज का अपमान किया गया है, उठक बैठक किए, वो क्षमा मांगे वो? नहीं, इस विषय पे हम नहीं बोल सकते, ये उस चोटी का मामला है, इस विषय पे हम ये कह रहे हैं बीजेपी में समाज जो छोटे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनका बीजेपी के बड़े नेता अपमान करते हैं। ये नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी बड़े नेता अपमान करते तो मोदी जी उन्होंने पाया पसारा और अन्य बड़े नेताओं ने पाया पसारा, उनसे हमेशा सहयोग किया, उनके घर में जाए भोजन कर रहे हैं, तो मान कोई सवाल ही नहीं होता यहाँ तो। यहाँ की दोनों सीटों पे क्या रहेगा आपका, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय? फूलपुर लोकसभा तो हमारे अब बीजेपी के साथ चल रही पूरी, फूलपुर लोकसभा या पूरे पूरे 80 सीट चल रही है बीजेपी साथ। चलिए प्रयागराज में क्या रहेगा? प्रयागराज में उसी में 80 में प्रयागराज भी है, वो भी उसी साथ चलेगा। आइए क्या कहेंगे, ये व्यापारियों का गढ़ माना जाता है मुट्ठीगंज का इलाका, तो व्यापारी किसके साथ माने? सपा कह रही, इंडिया गठबंधन कह रहे, कांग्रेस लोग कि व्यापारी हमारे साथ में है, बीजेपी के साथ है, पूरी जनता बीजेपी के साथ है, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन आम जनता सब देख रही है, सब जान रही है। उस व्यक्ति से पूछे जिस व्यक्ति का घर कब्जा होता है वो भागता है थाने, तो लोग क्या कहते हैं उसके पास जाओ, उसका फ़ोन चला गया उसके पास जाओ। आज किसी का डर नहीं है, एकदम भय मुक्त हो के आदमी जा रहा है आ रहा है, कितना भी पैसा लेके आधी रात को जाइए कोई आपको पूछने वाला नहीं है, क्यों? ये योगी सरकार है, हर आदमी के अंदर जज्बा है, डर नाम की चीज नहीं है। माताएं बहने अपने भाई या बंधु किसी के साथ निकल जाए उनको भय नहीं है कि कोई मुझे ऐसे टच कर लेगा, क्यों? ये योगी सरकार है। ये कह रहे हैं श्री राम, कह रहे हैं ईडी और उससे आप लोग डरवा रहे हैं और नेता आपकी पार्टी में चले जा रहे हैं। सर कोई किसी से नहीं कोई डरवा रहा है, लोग का काम है कहना लेकिन जनता सब देख रही है। अभी जितने सरकार आए और गए क्या माहौल था, लेकिन ये गवर्नमेंट आई है जनता कितनी खुश है, हर आदमी कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा लेकिन जनता खुश है ना। यहाँ पे कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तो सभी लोग उनको कहते थे सही नेता नहीं है, अब वो बीजेपी में आए हैं तो सभी लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि वो उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। सर देखिए कहना सुनना वो तो एक अलग टॉपिक हो गई, सर कहने का मतलब ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों पहले योगी जी को कह रहे थे कि वो भीख मांगेंगे चुनाव में, ये होगा गोरखपुर जाएंगे, आज वो बीजेपी में शामिल हैं, कितना आप सही मान रहे हैं नेताओं को शामिल होना? सर नेताओं की बात नहीं करेंगे, जैसे राहुल गांधी जी हमारे लोग उनको प्यार से पप्पू कह देते हैं, तो ये जो राहुल गांधी जी को जैसे पप्पू कह देते हैं, जो राजभर की बात कर रहे हैं उनको भी चाचा जी कह देते हैं, तो उनको साइड कर दीजिए, ऐसे नेताओं को निगलेक्ट होना चाहिए, एकदम साइड किया जाए, कोई मतलब नहीं है। बाकी जनता सब जान रही है, सबकी सुनेगी लेकिन करेगी अपने मन की। 400 पार का नारा क्या रहेगा इस बार, कितना कारगर?
पूरा एकदम 110% बीजेपी के खाते में जाएगा। अन्य लोग केवल कहते रहे, केवल ऑप्शन उनके पास बचा ही नहीं किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़े। मतलब इस बार 400 पार का नारा सिद्ध करेंगे आप? बिल्कुल सिद्ध करेंगे, प्यार से बोलो जय श्री राम। तो ये इलाहाबाद संसदीय सीट का ये क्षेत्र है मुट्ठीगंज का, और यहाँ पर व्यापारी समाज से जुड़े लोग हैं और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग। इनका मानना है कि इस बार इलाहाबाद संसदीय सीट की जो लड़ाई है उसमें जो कमल का फूल है वो खिलेगा, और जो इसके पहले जो प्रत्याशी की जीत हुई थी बीजेपी के तहत, इस बार जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका जो जीत का अंतर है और ज़्यादा होगा, क्योंकि 400 पार का जो नारा है मोदी ने दिया हुआ है, पीएम मोदी ने। तो यहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह है, इनका मानना है कि जो वोटर हैं 400 पार तो होगा, लेकिन जो वोटर हैं वो अपने प्रत्याशियों को अधिक वोट दे करके जो विपक्ष है उनकी जमानत जब्त करने का काम भी यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर वोटरों से मिलेंगे और उन्हें मतदान स्थल तक ले जाकर 400 पार के नारे को पूरा करने का काम करेंगे। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।